14 साल का बालक हकीकत था, जंजीरों में जकड़ा खड़ा दरबार में था। काजी ने पूछा, क्यों है ईमान कबूल, रहना है जिंदा या मरना है कबूल। उसने चेहरा उठाकर देखा काजी की तरफ, सबकी नजरें थी उठी बालक की तरफ। सियाने कह रहे थे, कर ले ईमान कबूल। नम आंखों से एक बार माँ को देखा, एक हाथ से था पोछता माँ के आंसू, दूजे हाथ से था पोछता अपने आंसू। हिल गए ये नजारा देख पत्थर भी, रुक रुक के देखने लगे परिंदे भी। इतने में अचानक एक शोर हुआ, तकबीर का नारा फिर से बुलंद हुआ। काजी ने कहा, फिर से है ईमान कबूल। भीड़ से शोर उठा, कर ले ईमान कबूल। इतने में हकीकत गरजा, सुन काजी तुम कहते हो मैं कर लूं ईमान कबूल, हकीकत को बस राम का नाम कबूल। राम भक्त कब बनते हैं गुलाम ए रसूल, धर्म जिससे खोए वो जीना है फिजूल, धर्म जिससे जी जाए वो मरना भी है मंजूर। धर्म प्यारा है मुझे, है नहीं ईमान कबूल, दीन तुझे मुबारक मुझे ना ईमान कबूल। छाया था सन्नाटा मुगल के खेमे में, दिल शेर का है क्या इस कलेजे में। काजी ने कहा, करो सर इसका कलम, गुस्ताख मारो करो फितने को खत्म। था तैयार भी जल्लाद काम करने को, तलवार जो उठी तो लगी गर्दन को, अगले ही पल सर हुआ जुदा तन से। एक धुन सी उठकर रही थी उस गर्दन से, धर्म की राह में मर जाते हैं मरने वाले, धर्म की राह में मर जाते हैं मरने वाले, मर के जीते हैं जी जान से गुजरने वाले। कितना ही अंधेरा क्यों ना हो दुनिया में, कितनी ही विपत्ति क्यों ना हो जीवन में, हरा कर उनको धर्म पे बढ़ते जाना, बलिदान हकीकत का सुनते जाना, बलिदान हकीकत का सुनते जाना। जय श्री राम।